ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। मैं दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ फॉर माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली कि आप सब लोग एकदम खुश रहें और अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी के साथ नए सिरे से इंजॉय कर रहे हों। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये किसी एक बहुत ही सही इंसान ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे, क्या आप मिलियनरी या बिलियनरी बनेंगे। देखिए, हर इंसान की अपनी खुद की एक अलग विश होती है, राइट, कि वो इतनी सक्सेस हासिल करे, वो इतना कमाए या उसकी लाइफ इस तरीके की हो, एक्सेट्रा। आप चाहे कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, सिर्फ अपना खुद का कम्फर्ट हो या फिर लोगों के लिए कुछ डिफरेंट करना हो, बट एवरी पीपल हैविंग देयर ओन सक्सेस स्टोरी या फिर एक सक्सेसफुल होने का नज़रिया कुछ डिफरेंट होता है। कई लोग पैसे से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कई लोग रिलेशन से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कई लोग सम 1000 रुपीज़ कमा के भी खुश रहना जानते हैं, कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट करना होता है, कुछ डिफरेंट अर्निंग करनी होती है ताकि वो कुछ और बड़ा काम कर सकें। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये आज की एनर्जी आप लोगों से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। बस आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपका इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर कौन से वाले पाइल में है, वन में या टू में। ठीक है, वन में या टू में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेकर के डिवाइन का नाम, और देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोग मिलियनरी बिलियनरी या सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप एक बार चेक इन कर लें अच्छे से कि आपका इनिशियल कौन सा है। यहाँ पे आपके नाम का पहला अक्षर, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ACEGIKNOQSUWY है तो आप इसे पिक कर लें। और अगर आप लोगों के नाम का इनिशियल है BDFHJLMPRTVXZ तो आप ये वाला पिक कर लें। दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम द फाइल नंबर 1। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कैमरा हिल गया, ओके, आई एम सॉरी। तो आज की रीडिंग का जो ये टॉपिक है, शुरू करते हैं। और मुझे नहीं पता मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, बट यस, एनीवेज, तो कितनी बारी बोलूँगी मैं, शुरू करते हैं फाइनली। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ओके, स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगेन शुरू करते हैं, माय गॉड, क्या शुरू। एनीवेज, चलिए देखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, किस तरीके के इंसान हैं आप, ओके, किस तरीके के पर्सन हैं आप, किस तरीके के इंसान हैं आप, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना एक वो हो जाए, आप लोगों को ताकि वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोल रही हूँ मैं आज, है ना, आई फील मत्था ठनक गया है मेरा गर्मी से, ओके तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है, ओके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है सेकंड चक्र, एरियल कार्ड, सेवंथ चक्र, शाबाश, एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। तो बेसिकली आप लोगों की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इंसान हैं। आप लोगों को ना लोगों से कोई मतलब नहीं होता, मतलब इन सेंस कि आप लोगों को पता सब होता है कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कौन अपनी लाइफ में क्या नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली आप लोग ना उन लोगों की लाइफ में जा कर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पसंद नहीं करते हैं। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा मुझे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम लगती है, अनस्टेबल हो जाते हो गए आप, एंड मनी को लेकर के आपका थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो है। आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपके मन में जो चीज़ आती है वो चीज़ हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। एंड जो बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो ये है कि कोई है जो कि आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें प्यार करते हो, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो वाइस वर्सा हो सकता है. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, तो कोई तो है यहाँ पे जिससे आप बहुत हद प्यार करते हैं, या फिर वो इंसान आपसे बहुत हद प्यार करता है, एंड आप या तो किसी का इंतजार कर रहे हैं एक अरसे से, या फिर कोई आपका इंतजार कर रहा है. एनीवेज, आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखते हैं, एंड सक्सेस आपको अपने लिए नहीं चाहिए. आई एम टेलिंग यू द डेप्थ ऑफ दिस थिंग, कि आपकी सोच ये है कि मुझे सक्सेस अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए चाहिए. ठीक है, अब अपने घर वालों को खुद से भी अपमोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि घर वाले मीन्स घर वाले, और चाहे जो मर्जी हो जाए, उनके साथ में कुछ भी कभी गलत नहीं होना चाहिए. प्लीज डिवाइनिक एंजल्स हमें गाइड करें फॉर द पायल नंबर 1. बाप रे, इतने कार्ड्स. प्लीज डिवाइनिक एंजल्स गाइड कीजिए फॉर द पायल नंबर 1. तीन, दो, एक, शून्य. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो बेसिकली थ्री ऑफ सोर्ड्स विद द एस ऑफ सोर्ड्स विद द मून. ओहो, एस ऑफ वॉन्ड्स, कमाल के कार्ड्स आ गए आप लोगों के, तो कमाल ही है भाई. ओके, प्लीज डिवाइनिक एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 1. ओके, मोमेंट टू मोमेंट. कार्ड्स पता नहीं आज क्या हो रहा है, इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, गिर गिर के जा रहे हैं हाथ में से, या तो एनर्जीज इतनी स्ट्रांग चल रही है, या फिर मुझे लगता है कि कार्ड्स को भी गर्मी लग रही है आज. ओके, मोमेंट टू मोमेंट रिसेप्टिविटी. देयर इज समवन हु इज एक्चुअली कीपिंग आई ऑन यू गाइस. पाइल नंबर 1 पीपल, देयर इज समवन हु इज एक्चुअली फॉलोइंग यू फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट, from the negativity or from the positive aspects also. बताती हूँ, एक मिनट बताती हूँ. आ गया प्रोजेक्शन का कार्ड, कंट्रोल. बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस. तो पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रही हैं, मतलब आप जिन पे भी आपने विश्वास किया है ना, वहाँ से आपको धोखाधड़ी मिली है. मून का कार्ड है, हमेशा धोखाधड़ी मिली है. या तो आपने बिजनेस करने का सोचा है कभी, या फिर आप किसी तरीके की नॉर्मल कोई जॉब कर रही हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है. यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल मुझे सिर्फ और सिर्फ मनी नज़र नहीं आ रही है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ चीज़ का आपको बहुत बहुत ज़्यादा चाहत है, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है, और आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं उस चीज़ को लेकर के. आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे साथ ऐसे होती, या ये चीज़ मेरे साथ इस तरीके से होता, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता, या होती मैं कुछ डिफरेंट कर रही होती. ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है. पाइल नंबर 1 पीपल, सिर्फ और सिर्फ मनी की सफरिंग नहीं है, इमोशंस की सफरिंग है. हो सकता है कि आप लोगों को कोई समझता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करता. देखिए, आप लोग मिलियनरी बिलियनरी नहीं बनने वाले हैं. ठीक है, मिलियन बिलियंस तो बहुत ही ज़्यादा दूर वाली बात हो जाएगी. ओके, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है कि यू विल बी लाइक, जितना कमा लिया ना उतना खा लिया. ठीक है, ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कोई यहाँ पे भी ये बंदा मोमेंट टू मोमेंट जा रहा है, यहाँ पे भी ये बंदा ऐसे मोमेंट टू मोमेंट जा रहा है. मुझे यहाँ पे ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आई है कि आपने ना हमेशा एक तरीके की लापरवाह किस्म की एनर्जी रखी है अपने साथ. ठीक है, कि जो मिल रहा है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी करना है घर वालों के लिए करना है. देखिए, ऐसी एनर्जीज नहीं होनी चाहिए. आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा पैशनेबल बनाना चाहिए, आपकी लाइफ में थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे. ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, मिलियनरी बिलियनरी मुझे एनर्जीज नहीं फील हो रही हैं. ठीक है, आई मस्ट टेल यू, मुझे इतनी स्ट्रांग एनर्जीज फील नहीं हो रही है यहाँ पे मिलियन बिलियन की. फिर भी हम एक बार यहाँ से भी कार्ड चेक करेंगे, डोंट वरी, बट मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही. मुझे यहाँ पे
फील हो रहा है कि आप इतने सक्सेसफुल होंगे कि आप कभी भूखे तो नहीं रहने वाले हैं, या फिर आप किसी अपने मन की चीज़ को संकोच से नहीं रखने वाले हैं, लेकिन सेविंग्स भी नहीं होने वाली हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पास खर्चा ही इतना होगा कि सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली हैं, या ऐसा कह लीजिए कि आपने बहुत सारे इकट्ठा करके बैंक में रख लिया अपने ओल्ड फ्यूचर के लिए, सॉरी आपके ओल्ड एज के लिए, आगे आने वाले कल के लिए अगर आपने ऐसा कर लिया। ऐसी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे पाइल नंबर वन लग रहा है यहाँ पे कि आप कमाएंगे, ठीक है, जितना आप कमाएंगे उतना पैसा उड़ाएंगे। आपके हाथों में ना, मतलब वो वाली बात नहीं कि ऐसे पकड़ के और रख रखा है आपने, एंड एज यू ऑल नो लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, ठीक है। पैसा मनी को एक इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक कंट्रोल होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग उस कंट्रोल को पिकअप कर जाते हैं और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, देखिए ऐसा होता होगा जैसे आप बैठे हैं घर में, कोई बात चल रही है, किसी ने बोला यार ये चीज़ मुझे चाहिए, जबकि उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट किसी ने आपको बोला कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आप फटाक से निकाल करके पैसे दे दिए, या वो चीज़ आपने फटाक से ला करके उन शख्स को पकड़ा दी, उस पर्सन को पकड़ा दी, एंड आपने सोचा जब उनके चेहरे पे खुशी देखी तो आपने सोचा अरे वाह देखो कितनी बढ़िया बात है, एटलीस्ट मैं अपने घर वालों के काम आ रहा हूँ या आ रही हूँ। लेकिन उसका नतीजा पता है क्या निकलता है, उस चीज़ की उस इंसान को कोई कदर नहीं होती है, उल्टा आप एक स्टेप और पीछे चले जाते हो। तो अगर जहाँ पर आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब ये पाइल नंबर वन पीपल, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खर्चा मत कीजिए, थोड़ा अपने हाथों को टोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कंट्रोल करते हैं तो गाइस आप लोग मिलियनरी बन सकते हैं, बिलियनरी तो मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन आप मिलियनरी ज़रूर बन सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे यहाँ पे लग रही है प्रोजेक्शन का कार्ड है रिसेप्टिविटी के साथ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि देयर इज समवन हु इज़ एक्चुअली मैडली इन लव विद यू और यू आर मैडली इन लव विद देम, तो उस एनर्जी को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के वो चीज़ बनेगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई किसी का लक है जो कि किसी से दूर चल रहा है, ओके। तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन लिमिटेड सक्सेस होगी आपके पास, आप उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना कि आप अपना खर्चा चला लें, है ना, इतना कर लें आप। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में तो प्रॉस्पेरिटी ही नहीं है, मनी अबंडेंस ही नहीं है, होगा लेकिन मिलियन बिलियन वाला नहीं। रही बात, जैसा कि मैंने बोला ही था कि आपको अपने जीवन में पैशन को ढूंढना चाहिए, पैशन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रखा है, उठे और चले और चल दिए, इस तरीके की एनर्जीज में ना रहें, थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट रखें, कुछ अच्छा क्रिएट करें अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि आपका जो जीवन है, देखो कंपैशन का कार्ड, ताकि आपका जो जीवन है वो नए सिरे से नई ऊर्जा से शुरू हो सके, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें और अपने आप को हील करें, जैसा कि मैंने बोला ही था दैट कोई तो है जो कि आपसे बिछड़ा हुआ है और वो आपके साथ होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि आप उस चीज़ को आने नहीं दे रहे हो, या फिर उस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको आने नहीं दे रहे हैं, तो कोई लक है जो कि आपसे दूर है। चलिए एक कार्ड मैं वैसे निकाल लेती हूँ, प्लीज एंजल्स बताएं पाइल नंबर वन पीपल क्या मिलियनरी बनेंगे या बिलियनरी बनेंगे। देखो मिलियनरी के कार्ड है, बिलियनरी के नहीं है, एंड मिलियनरी के भी तभी है जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी लेडी होती है जो कि अपने लिए डिसीजन लेना जानती है, जो कि अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट करना जानती है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप मिलियनरी बन सकते हैं, तो आपके पास एक मनी हो सकता है, अच्छा अकाउंट हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं नो बोलूंगी, ओके। एंड बिलियन के लिए तो एकदम ही नो है, टोटली नो। Now let me take advices to you guys. What you guys need to get advices from the divine? Please divine angels, बताइए हमें। Intuition, आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, पिक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके लिए करेज की बहुत ज़रूरत है, आपको स्ट्रांगनेस एंड आपको जो गाइडेंस है वो ये मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपको डिवाइन पूरी गाइड करती है, डोंट वरी।
फियरलेसली अपने आप को जीने की कोशिश करें, ट्रस्ट करें आपके जो इंट्यूशंस आपको बोलते हैं वो सच हैं, ठीक है, उस चीज़ को सच माने और आगे बढ़ें। तो पायल नंबर वन पीपल, प्लीज़ स्टेप्स अच्छे लीजिए, मनी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचिए, तभी आप मिलियनरी बन सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप दिस टाइमलेस रीडिंग विल रेजोनेट विद एवरीवन। अगर आप लोगों से हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फर्गेट टू mention your name in the comment section and telling me the beautiful topic for the next reading. अपना अपना ध्यान रखें and always remember, मैं कहीं पर भी अपना number नहीं देती हूँ, scammers होते हैं वो, आप मुझे रोज़ message करते हैं Instagram पर, ये आप हैं क्या बाबा, मैं नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट द वन हु इज़ एक्चुअली मैंशनिंग नंबर्स इन कमेंट सेक्शन। एक्चुअली कमेंट सेक्शन में अगर मुझे नंबर ही देना होता तो मैं अभी यहाँ वीडियो में दे देती ना आपको, यहीं कहीं लिख करके, अगर मुझे नंबर ही देना होता मेरा तो। ओके, तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, तो अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा पाइल नंबर टू पिक किया है तो ये है आप लोग ग्रीटिंग, यहाँ पे रख देती हूँ मैं इनको और चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू आर हैविंग राइट नाउ, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फ्यूचर, फ्रॉम योर बिजनेस, फ्रॉम योर जॉब। You will get the success or not, and you will be the millionaire or the billionaire in your for future or not. ठीक है, so this is a timeless reading guys, timeless reading है, please इसे देखिए, आप जब भी देखेंगे it will definitely resonates with everyone. If this resonates with your conditions then please do let me know in the comment section. नहीं करती है तो please मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए, Please divine angels for the pile number two people. Okay. Man holding a coin. So this is the you actually. Second chakra और हो गया हमारे पास strategy. आप लोगों की energies पता है किस तरीके की? Bottom of the deck healers of ages. क्या बात है? So you guys are actually healer. Like बॉर्न हीलर कौन होते हैं? जो किसी झटके के बाद हील नहीं होते हैं, या जो झटके के बाद ही सिर्फ और सिर्फ हीलर नहीं कहलाते हैं, या अच्छे बुरे की समझ होती है उनके अंदर, उनका सोल पर्पज़ ही कुछ इस तरीके का होता है कि उन्हें जाना है धरती पर और जाकर के दुनिया के अंदर किसी तरीके का अलाइनमेंट क्रिएट करना है। सो यू गाइज आर हीलर बाय बॉर्न हीलर, आपका सोल पर्पज़ है कि आप लोगों को हील करें, सर्व करें, और दुनिया में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो नेगेटिविटीज़ फैली हुई हैं, स्प्रेडेड है एकदम, उनको ख़त्म करें। सो दिस इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ योर दिस बर्थ। ठीक है, थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ, येस आई थिंक अभी ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आप हो सकते हैं या तो स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हो, स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करते रहते हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ उसी ये चलता रहता है दैट हाउ टू अर्न मनी, लाइक एक उस लेवल पे, उस तरीके से किस तरीके से करना चाहिए, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, होंगी या नहीं होऊंगा, नहीं होंगी, ठीक है, उधेड़ बुन चलती रहती है आपके दिमाग में। आप बहुत ज़्यादा शांत, स्टेबल, सज्ज रहने की कोशिश करते होंगे, रहते भी होंगे, लेकिन कई बार ही बाढ़ आ जाती होगी किसी ना किसी इमोशन की और आपकी सारी चीज़ें धरी रह जाती होंगी। मोर ओवर दिस इज़ यू जिन्होंने मनी को होल्ड कर रखा है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं ना जिसके बलबूते पे दुनिया आपको जाने, समझ रहे हैं, आप अपने नाम से जाने जाना चाहते हैं, जाने जाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं है कि आपको आपके घर वालों के नाम से जाने, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले बहुत रिच हैं या फिर आपके जो घर वाले हैं वो बहुत ही समझदार हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने पहले बहुत कुछ क्रिएट करा हुआ है बट आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, यू वॉन्ट समथिंग मोर एंड मोर, जो कि आपका खुद का बसाया हुआ हो, जो कि आपका खुद का बनाया हुआ हो, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड गिर गया, ये भी हमेशा बताता है खुद के बलबूते पे खड़ा होना, बट मैं इस कार्ड को ले नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। 3 2 1 0 बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेनिकल्स। ओके,
सो वी हैव द टेन ऑफ पेनिकल्स, द मून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शाबाश, एंड वी हैव एट ऑफ पेनिकल्स. देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी कह देना चाहती हूँ, आप लोग अपने करियर में सक्सेसफुल बहुत होंगे. पाइल नंबर टू पीपल, आप लोग अपने करियर में सक्सेसफुल बहुत होंगे. लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, ठीक है, जो आप चाहते हैं ना, कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों की हो सकता है एक इच्छा हो कि ये पूरा का पूरा जैसे ग्लोब है, पूरा का पूरा मैप है, यहाँ पे मैं अभी रहता हूँ या रहती हूँ, चाहे मुझे इस एरिया के ही सही लेकिन मेरे स्टेट के ही सही, मेरे सिटी के ही सही लेकिन लोग मुझे जाने, थोड़े से ही सही लेकिन मुझे जाने, मेरे काम के लिए मुझे जाने, ठीक है, मेरे काम से मुझे पब्लिसिटी मिले, मेरे एटीट्यूड या मेरी नेगेटिविटी की वजह से नहीं. सो यू गाइज आर वेरी मच काइंड ऑफ ए काइंड हार्टेड बंदा जिसे, या बंदी जिसे हम बोलते हैं, यू आर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो पाइल नंबर टू पीपल, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मेहनत आप लोग करेंगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे, और आप मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, यू आर पुटिंग सो मैनी एनर्जी, सो मैनी एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, जो चीज़ की विश आपकी है वो आपको मिलेगी. लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, पता है क्या लग रहा है, आप लोगों को ना थोड़ा धोखाधड़ी से बच के रहने की ज़रूरत है. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, या फिर आप अपने किसी जॉब के बारे में किसी से शेयर करते हैं या किसी से सलाह ले रही हैं, देखिए दूसरों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है. मैं आपको ये इनफैक्ट ये भी बोलूँगी कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी पर भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बनाना है आपने. आपने जो करना है अपने बलबूते पे करना है, इस चीज को पल्ले गाड़ बांध लें, इस चीज को समझ लें अच्छे से कि आप अकेले हैं, यू डोंट हैव एनीवन इन योर लाइफ, नो वन, ठीक है. थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, आपको जो करना है खुद से करना है. एंड ट्रस्ट मी जब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जो समय का पहिया है, ये इतना तगड़ा वाला चलेगा ना पॉजिटिव डायरेक्शंस में, कि आपको ग्रोथ क्या, आपको बहुत कुछ मिलेगा. पाइल नंबर टू पीपल, हो सकता है आप लोगों का सक्सेस को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ढेर सारा पैसा ही ना हो, आप लोगों का थोड़ा सा देखने का नज़रिया सक्सेस को मेरे जैसा हो, जहाँ पे मैं ऐसा सोचती हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ पीस, है ना, पीस, एक अच्छा सा अलाइनमेंट वाला सुकून, है ना, और घर के सारे लोग खुश हैं, एंड मोर ओवर मैं दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर पा रही हूँ. सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द सक्सेस. अगर वो चीज़ नहीं है, दैट मीन्स सक्सेस नहीं है मेरे हिसाब से. तो हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हों जो सोचते हों कि नहीं, सिर्फ घर दुकान मकान पैसा गाड़ी से ही मतलब नहीं है, पीस का होना बहुत ज़रूरी, शांति निरोगी काया होने बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है, लव वन का साथ में होना ज़रूरी है. इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग, ठीक है. तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग कार्ड आया था यहाँ पे, मून, जिसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है. आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अकेले हैं, आपको देखो थंडरबोल्ट का कार्ड, तो आप लोगों को ना लोगों के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर टू पीपल, आप लोग बहुत सक्सेस पाएंगे, जो चाहते हैं वो आप ज़रूर अचीव करेंगे. ज़्यादातर मुझे यहाँ पे चांसेस आप लोगों के मिलियनरी के ही लग रहे हैं, बिलियन वाले तो अभी मुझे नहीं दिखे हैं, बाकी अपन एक बार कार्ड भी निकाल लेंगे. हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेनिकल्स का कार्ड था ना, तो 50% लोग जो है वो मिलियनरी बने एंड 50% लोग बिलियनरी बने, 100% श्योरिटी के साथ एक चीज़ नहीं आई, बाकी अपन कार्ड निकाल लेंगे, ठीक है. तो पाइल नंबर टू पीपल, तैयार हो जाइए अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को पाने के लिए, ऊंचाइयों को पाने के लिए. आपके आपकी लाइफ में पाइल नंबर टू पीपल कोई तो है जो कि लकी चार्म बन के आपकी लाइफ में आया. जब उस पर्सन के जब वो बंदा आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ ये भी बताएं कि कौन हो सकता है, साइंस क्या हो सकते हैं. देखिए वो जो लकी पर्सन है वो जब आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, आपको उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा संतुष्ट और सेटिस्फाइड फील होगा. मोर ओवर वो आपका लक होगा, ये आपको कैसे पता लगेगा कि उसके आने के विद इन थ्री मंथ्स ना, रुको मैं एक कार्ड और निकालती हूँ तभी बताऊंगी. हाँ, उस पर्सन के आने के बाद आपका रिबेलियस एटीट्यूड भी ख़त्म होगा. 3 महीने, 3 weeks to 3 months के टाइम पीरियड में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे उस पर्सन के आते के साथ ही आपकी लाइफ में. तो आप समझ जाइएगा ये वही इंसान है, ठीक है. आपके लिए यहाँ पे एक जंप कार्ड भी है, द बर्डन,
और ये जो बर्डन का कार्ड है ये आपको बताने की कोशिश करता है कि प्लीज आप अपनी एनर्जीज को गलत जगह ना लगाएं। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक थ्रू, हार्टेड का कार्ड है, आपने अपनी एनर्जीज को गलत जगह नहीं लगाना है। जस्ट बी इन योर पावर, जस्ट बी इन द प्रेजेंट सिचुएशंस, करंट सिनारियो जो चल रहा है। आप लोग बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपको लोग आपके खुद के नाम से जानेंगे, आप लोग किसी तरीके की बड़ी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर जाएंगे। ओके, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे आप लोग जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, लोग आपको आपके पेरेंट्स के नाम से नहीं जानने वाले, आपके खुद के कर्मों से जानने वाले हैं। मोर ओवर आप ट्रैवलिंग की तरीके से रहेगा आपका सिनेरियो, आज आप यहाँ हैं, कल आप वहाँ हैं, परसों आप कहीं और चले गए, इस तरीके की एनर्जीज आपके बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोग कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, बस आपको थोड़ा सा अपने डर के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करने की ज़रूरत है, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना, रिवेलियस फॉर्म से बाहर निकलना है, चीज़ों को लेट करना है। ठीक है, आंसर्स तो हो सकता है आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, तो आप 111 टैरेट का नहीं एंजल्स का शुक्रिया अदा जरूर करें, बिकॉज दे आर द ओनली वन। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा एक सही समय पर, आपका लाइफ पर्पस ही यही है, ढेर सारा कमाना और लोगों को अच्छे से अच्छा सर्व करना। ठीक है, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया ही एक तरीके से आपकी फैमिली है। ओके, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है यही आप लोगों की फैमिली है, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ अच्छे से समझिए। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक एम्पावरमेंट का कार्ड है, आप लोग मिलियनरी बनेंगे बहुत स्ट्रांग तरीके से, आप लोगों की बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत मदद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब आप लोगों के लिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए पाइल नंबर टू वालों के लिए कि वो ज़्यादा प्रोपोर्शनल चांसेस में मिलियनरी बनेंगे या बिलियनरी बनेंगे। 50-50 अगेन 50-50। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स एक बार और गाइडेंस दीजिए। अब मैं गाइडेंस नहीं मांगूंगी, जजमेंट का कार्ड है। ओके, देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप लोगों का सोल पर्पज़ है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आप मिलियनरी बिलियनरी बने। और मैंने जब यहाँ पे निकाला, मैंने ज़्यादातर लोगों के लिए बोला था कि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग ज़्यादातर लोग जो है वो क्या बनेंगे, मिलियनरी बनेंगे। ठीक है, तो क्लियर सी गाइडेंस आई है यहाँ पे कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, बैठना नहीं है, अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचने की आपने ज़रूरत है, कोशिश करनी है। और फिर मैंने जब दोबारा मांगने की कोशिश करी आंसर, तो जजमेंट आया, दैट मीन्स कि आप बन सकते हैं। ठीक है, आप बहुत पैसे वाले बन सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, शर्त है हद ज़्यादा मेहनत करें और इस एनर्जी से बच के रहें। ये पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, बार बार इस एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहें, इस डिसेप्शन से थोड़ा बच के रहें तो सही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर टू पीपल। आप लोगों के लिए गाइडेंस और देख लेते हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ अपनी ज़मीन से जुड़कर रहें। ठीक है, आप लोग इस तरीके की ब्लू फ्लेम हैं जो कि लोगों के अंदर ऊर्जा पहुंचाती हैं, आपके जितनी भी चीज़ें हैं, इंट्यूशंस हैं, वो सपनों से आपको बयां होने की कोशिश करती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें और अपने इंट्यूशंस को हमेशा फॉलो करें पाइल नंबर टू। ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारा प्यार, बाय।